देखो डेकोरम अपने लोग पढ़ चुके थे, एक बार जरा फिर से बोलना, आप हमको सुन पा रहे हैं अच्छे से? यस देखो डिज्म क्या चीज होता है, डिज्म वो होता है जैसे मोटा मोटी इसको वन फ्रेज में अगर जो समझना हो तो ऐसे समझो, रिलीजन विदाउट रिवोल्यूशन। ये क्या चीज होता है, ये ऐसी चीज होता है कि जैसे मान लो मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू धर्म में विश्वास है, तो आप मुझे हिंदू कैसे मानोगे? मैं चंदन लगाऊं, खूब मोटी सी चोटी रखूं, पीले कलर का कपड़ा पहनूं, धोती पहनूं, खड़ाऊं पहनूं, ठीक? तो ये जरूरी है, ये इतना जो है ये चीजें करनी जरूरी हैं? तो ये कोई नहीं नेसेसरी तो है नहीं। हम इसको न करते हुए भी हम चीजों को मान सकते हैं। अब जैसे रिलीजन से जुड़े हुए जितने प्रतीक हैं, रिलीजन से जुड़े हुए प्रतीक क्या हैं? अब जैसे आपका जो है, जैसे मंदिर हुआ, जैसे आपके मस्जिद हुए, जैसे आपके गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ठीक है? या जो हम लोगों के जैसे सरदार जी लोग हैं, तो वो लोग अपनी जो है कृपाण लेके चलते हैं, या उनके अपने कड़ा वड़ा पहनते हैं, वो बड़े बाल रखना, समझ रहे हैं? तो ऐसे क्रिश्चियन रिलीजन का अगर जो टोटल बात अभी से घूम फिर के क्रिश्चियन रिलीजन पे पहुंचता है, आप क्रिश्चियन रिलीजन के हैं तो गले में आप क्रॉस पहनोगे, ठीक? उनमें क्या चीजें हैं, जैसे अपने लोगों में चोटी है और जो है दाढ़ी है, तो उन उनमें क्या है, तो उनमें वो क्रॉस पहनते हैं, सफेद कलर का वो पूरा कपड़ा पहनते हैं, समझ रहे हैं? वो उनमें जो है गिरजाघर होता है जिसको आप वो चर्च बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें धर्म के बाहरी दिखने वाली चीजें हैं। तो डीज्म का मतलब क्या होगा, एक्चुअली ये इज्म इसमें जो है लास्ट में लगा है, तो कहने का मतलब एक वाद हुआ, एक टेंडेंसी हुई। तो ये टेंडेंसी किसकी होगी, ये कुछ मानवों की एक आपकी टेंडेंसी होगी। तो इस टेंडेंसी के लोग आपके कैसे होंगे, इस टेंडेंसी के लोग आपके जो है इस टाइप के होंगे कि जैसे वो रिलीजन को तो मानते हैं, लेकिन रिलीजन के जो है बाहरी दिखने वाली चीजों को नहीं मानते हैं। अब बाहरी दिखने वाली चीजें क्या हैं, बाहरी दिखने वाली चीज आपकी यही है, जैसे चर्च हुआ, वो क्रॉस हुआ गले का, वो इन सब सारी चीजों में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पहन रहे हैं, वो चर्च नहीं जा रहे हैं, वो क्रॉस नहीं पहन रहे हैं। तो उसी को शॉर्ट में क्या बताया गया, रिलीजन विदाउट रिवोल्यूशन, मतलब रिलीजन में उनका फेथ है, रिलीजन वो मान रहे हैं, धर्म में उनका विश्वास है, लेकिन वो बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं कर रहे हैं, या बाहरी दिखावा वाली चीजों में नहीं विश्वास कर रहे हैं। वो उनको चर्च नहीं जाना है, उनको क्रॉस नहीं पहनना है। अगर जो रिलीजन के लिए उनके मन में श्रद्धा है, तो श्रद्धा मन में रहेगी। कोई जरूरी है कि चर्च पहुंचो तभी जो है यीशु मसीह आपके ऊपर कृपा करें, वो तो जो है हर जगह है, समझ रहे हैं? तो डीज्म एक ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने धर्म को तो माना, लेकिन धर्म की बाहरी आडंबर वाली चीजों को इन्होंने नहीं माना है। ये देखना, एक यहाँ पे आपका एक फ्रेज है, इसी में सारा भाव निहित है, जितनी चीजें हैं सभी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये किताब बड़ी अच्छी है, इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार मजा आता है, उतनी नई नई चीजें आपको मिलती हैं। अब ये डेक्स एक्स माकिना, ये क्या चीज होती है, ये आपका जो है इसमें भी देखो, अब इसमें जहां जहां है सब एक की पॉइंट ये बुक आपको दे रही है। गॉड फ्रॉम ए मशीन, ये गॉड फ्रॉम ए मशीन कहने का मतलब जो सुपर नेचुरल एजेंसी आप यूज करते हो उनको आप ये ड्यूक्स एक्स माकिना बोल सकते हो, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब जैसे आपको निम्फ दिखाना हुआ, आपको जो है सेल्फ दिखाना हुआ, या आपको विचेस दिखानी हुई, तो आप क्या करते हैं, आप इन सब चीजों को जो है स्टेज पे कैसे दिखाओगे? तो स्टेज पे ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे, आप उनको जीवंत दिखाना है और सब सारी चीजें करनी है, तो आप उनको किसी न किसी मशीन के थ्रू दिखाओगे, कुछ उपकरण आप स्टेज पे लगाएंगे। तो इस फ्रेज का यही मतलब होता है कि जो सुपर नेचुरल एजेंसी हुआ, और उस सुपर नेचुरल नहीं एजेंसी को यहाँ एज एज हाँ नहीं एक मिनट रुक जाइएगा, माइक कुछ लोगों का ऑन है। ये जो ये बोला गया है गार्ड फ्रामे मशीन कहने, ये गार्ड गार्ड का मतलब गार्ड नहीं है, ये गार्ड का मतलब है सुपर नेचुरल एजेंसी, समझ रहे हैं? ये देखो जी आपका कैपिटल से नहीं लिखा गया है, जी स्मॉल से लिखा गया है। जब भी गार्ड के लिए जो आप जी यूज करते हो, या गार्ड के लिए जब भी आप कोई उसका प्रनाउन यूज करते हो ही, तो हमेशा कैपिटल से लिखा है। तो यहाँ गार्ड ये नहीं है, ये एज ए देवता है,
गार्ड का मतलब वो सुपर नेचुरल, वो गार्ड का मतलब वो होता है जो कैपिटल से आप लिखते हो, उसका मतलब एक होता है जो यूनिक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक देवता। अब जब देवता का मतलब वो कई हो सकते हैं, लेकिन गार्ड एक होता है, समझ रहे हैं? तो जब वो तुम्हारा मतलब होगा, जब कैपिटल से लिखोगे तो वो मतलब हो जाएगा तुम्हारा यूनिक वाला, वन वाला। और इसका मतलब ये न्यूमिरस आपके हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अब ये गार्ड यहाँ किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये कर रहा है सुपर नेचुरल एजेंसी का, समझ रहे हैं? ये गार्ड यहाँ सुपर नेचुरल एजेंसी को बता रहा है। चलो ठीक, इसका मतलब आपको क्या समझना, आपने ये समझा कि जब स्टेज पे आप कोई सुपर नेचुरल एजेंसी दिखाना चाहो तो उसके लिए आप मशीन यूज करके वो आप जो दिखाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारी जो है इसके अंतर्गत आती है। इनसार्ट क्या बोल सकते हैं, इनसार्ट आप इसको जो है गार्ड फ्रॉम मशीन बोल सकते हो, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, एक मिनट जरा रुकना। दरअसल आज हम नोटिफिकेशन जो है ऑफ करना भूल गए हैं, ये सब मैसेज बीच में आते हैं तो बड़े डिस्टर्ब करते हैं। चलो ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बीच में कुछ मैसेज के द्वारा जो है डिस्टर्ब किए गए हम लोग, कुछ महान लोगों ने मैसेज कर दिया। चलो ये समझ गए, डायलॉजिकल क्रिटिज्म या क्रिटिज्म से रिलेटेड है, इसको अपने लोगों को एक साथ में पढ़ना है। और नीचे आइए, डिडेक्टिक लिटरेचर। डिडेक्टिक लिटरेचर क्या होता है, कहने का मतलब कि डिडेक्टिक यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये तुम्हारा नाउन है। इसका मतलब यह है, डिडेक्टिक का मतलब होता है कि कोई सजेस्टिंग, सजेस्टिंग का मतलब उपदेश देने वाला, कोई भी लिटरेचर जो तुमको कोई सुझाव दे रहा हो। जैसे फ्रांसिस बेकन के जितने ऐसे हैं, जितने ऐसे कहने का मतलब जितने, जैसे मैंने आफ्टर वेल पढ़ा है, आप मतलब ऑफ ऑफ करके उनके कई ऐसे जो है कई उसमें वो दिए गए हैं, ऐसे उन्होंने दिया है। तो उसमें क्या है, वो उसने सारे सब कुछ में आपको कुछ ना कुछ उसने उपदेश बताया है कि यात्रा पे अगर जो आपको जाना है तो कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, ऐसे करना है। तो जितने इस टाइप के लिटरेचर हैं ये सब डिडेक्टिक लिटरेचर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको उपदेश मिल रहा है, ये अपने लिटरेचर के माध्यम से आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, समझ रहे हैं? वो आपके लिए हितकारी है, हितकारी हो सकता है। तो जो जितने भी इस टाइप के लिटरेचर हैं वो सब डिडेक्टिक लिटरेचर हैं, जिनसे आपको कुछ उपदेश मिल रहा हो। अब ये देख लो, की पॉइंट इसमें ये है, इंटेंटेड टू गिव इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा लिटरेचर जिसका इंटेंशन हो इंस्ट्रक्शन देने का, मतलब ऐसा लिटरेचर जिसने इंटेंड किया हो खुद को जो है इंस्ट्रक्शन देने का, ऐसे लिटरेचर को आप डिडेक्टिव लिटरेचर बोल सकते हैं। ठीक। अब इसी में जो है जो एक जॉर्जिक्स आ गए हैं, जॉर्जिक्स क्या है, ये जॉर्जिक्स उन पोएट को बोला गया है जो वर्जिल के मॉडल पे जिन्होंने पोएट्री शोएट्री की है। तो इनके भी जो लिटरेचर हैं, इन्होंने जो मतलब जॉर्जिक्स जो हैं, मतलब इस टाइप के जो पोएट्स हुए, इन्होंने जो है जो भी अपनी क्रिएशन की है उनमें भी तुमको वो भी उस लिटरेचर को भी डिडेक्टिक लिटरेचर बोल सकते हो, या इनके वर्क को डिडेक्टिक वर्क आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा सर इसको फिर से बता दिए। देखो, डिडेक्टिव लिटरेचर का मतलब होता है उपदेशात्मक लिटरेचर, कोई ऐसा लिटरेचर जो इंटेंशन बना के आपको सजेशन दे रहा हो। जॉर्जिक्स पोएट हैं, जॉर्जिक्स उन पोएट को हम बोलते हैं कि जो वर्जिल के पैटर्न पे पोएम लिखते हैं। ठीक। अब जॉर्जिक्स जितने भी पोएट हैं उन उनमें ज्यादातर टेंडेंसी ये पाई गई है कि उनके जो लिटरेचर हैं या उनके जो वर्क्स हैं उसमें आपको डिडेक्टिक नेचर मिलेगा। कहने का मतलब उनके लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ जो है सुझाव मिलेगा, कुछ न कुछ अपना आपको जो है सुझाव देंगे। चलो ठीक,
अब ये देखो, प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर ये क्या होता है, ये डायरेक्टिव लिटरेचर का ही एक पार्ट है। इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है, ये पे उपदेश देता है लेकिन ये उस चीज को इतना फोकस कर दिया जाता है, उतना जो है कहने का मतलब उस पे इतना आपका फोकस करवाया जाता है कि आप तुरंत इस पे एक्शन ले लेते हो। तुरंत क्या करते हैं आप, इस पे एक्शन ले लेते हैं। जैसे जस्टिस, जस्टिस जो तुम्हारा प्ले है उसमें आपको कुछ न कुछ सुझाव दिया गया है, ठीक। अब उस सुझाव देने के कारण वो तत्कालीन समय में वहां के प्रधानमंत्री ने, वहां कौन सा कोई कानून ऐसा, डाइवोर्स का कोई ऐसा कानून था जिसमें जटिलता थी, उन्होंने क्या किया, उस पर कुछ न कुछ एक्शन लिया। अब वो प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर बन गया। कहने का मतलब डिडेक्टिव लिटरेचर अगर इतना इफेक्ट डाल दिया कि उस पर जनता ने, पब्लिक ने, सुनने वाले ने कोई एक्शन ले लिया, तो उस टाइप के लिटरेचर को फिर आप प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर बोल सकते हैं। कहने का मतलब डिडेक्टिव लिटरेचर का तुम प्रोपोगंडा कर दो। प्रोपोगंडा क्यों करते हैं, जैसे कहते हैं ना भैया तो प्रोपोगंडा कर रहा है या प्रोपोगंडा कर रही है, तो प्रोपोगंडा आप क्यों करते हो, अपनी तरफ आप अट्रैक्शन किसी का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए, और ध्यान क्यों आकर्षित करते हो, अपनी बात तुम फोर्सफुल्ली मनवाने के लिए, समझ रहे हैं। फोर्सफुल्ली का मतलब ये नहीं मत समझना कि लाठी डंडा लेकर के, लेकिन हाँ तुमको उसके प्रति दया आ जाएगी, आप उसको जो है उसके कटोरे में, जैसे एक भिखारी है, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, 1 रुपए नहीं दोगे, पता चला एकदम बिल्कुल कटोरा पचका कटोरा लिए है, 10 जगह से वो पचका है, जस्टे का कटोरा है, बीच में छेद भी हो गया है, और काला काला उसमें मैल जमी है, फटा पुराना कपड़ा पहने हैं, समझ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार बड़ा गरीब है, दे दो, वो पैसा मांगेगा तो आप उसको दे। ये प्रोपोगंडा वो कर रहा है, जो ये दूसरा वाला जो हमने आपको बताया है फुटहे कटोरा वाला, ये प्रोपोगंडा कर रहा है, समझ रहे हैं। तो उपदेशात्मक लिटरेचर में यदि आप उसको बहुत ज्यादा उस पर फोकस, कहने का मतलब जो एक प्रॉब्लम लेके, या जो सॉरी प्रॉब्लम नहीं, जो एक आप पॉइंट ऑफ व्यू लेके उसको लिख रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप इतना ज्यादा उसको जो है हाईलाइटेड कर दो, या उसका प्रोपोगंडा इतना बना दो कि वो जनता उसको मानने के लिए, जो उसको दर्शक हैं वो उनके दिल पे उसका प्रभाव पड़ जाए और वो उसको एक्शन लेना शुरू कर दें, तो वही आपका हो गया। क्या हो गया, देखो ये डिस्कोर्स एनालिसिस है। ये डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्कोर्स हमने आपको बताया था लैंग्वेज में सबसे बड़ी चीज ये होती है, लैंग्वेज में सबसे बड़ी चीज डिस्कोर्स का मतलब आपका पैसेज होता है। पैसेज का मतलब जैसे ऐसे ऐसे समझ सकते हो, डिस्कोर्स में आपके सेंटेंसेज होते हैं, फिर सेंटेंसेज से छोटा आपका क्लोज होता है, वही ये डिस्कोर्स का एनालिसिस करना बताया गया है आपको। इसमें कुछ चीजें हैं वो आपके लिए गैर जरूरी हैं, ये कुछ लिंग्विस्टिक की तरफ जो है इशारा कर रही हैं, तो इसको जो भी अपने लोग स्किप करते हैं। देखो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसी के साथ साथ आप एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी पढ़ो तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप ये समझो कि एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है, और उससे भी पहले आप ये समझो कि सेंसिबिलिटी क्या चीज होती है। सेंसिबिलिटी बना किससे, सेंस से बना है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज हो रही है जो आपके सेंसेस को प्रभावित कर रही है, सेंस में जो है उसमें सेंस का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कहने का मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लिटरेचर लिख रहे हैं कि आप उसको फील किए फिर आप उसको लिख रहे हैं, मतलब फीलिंग प्लस राइटिंग दोनों, दोनों को अगर जो आपने मिला के लिखा तो ये हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। कहने का मतलब सेंसिबिलिटी को आप अपने ऊपर एसोसिएट किए, उसको वो चीज आपने फील किया, दर्शक जो पढ़ रहा है वो उस चीज को फील कर रहा है, दर्शकों के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, लिखने वाला उस चीज का अनुभव करके लिख रहा है, समझ रहे हैं, क्या किया कि नहीं किया, लेकिन ये धारणा जो है बनी है उस टाइप के, वहां वो वर्ड्स यूज करेगा कि वो उसके भी आपको लगेगा कि हाँ इसके भी दिल को ये टच कर रहा है, आपके भी दिल को टच कर जाएगा। जैसे आपने गुलजार की पोएट्री वोट्री सुनी होगी, जैसे गुलजार ये आपके हैं तो गुलजार का आपने सुना होगा, गुलजार की जैसे शायरी आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन जब आप गुलजार की शायरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसने बिटी स्टेटमेंट यूज किया है, वो स्ट्राइकिंग होता है, वो आपके दिल को छूता है, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको लगता है कि गुलजार ने इस चीज को फील किया होगा, फील करने के बाद तब ये इसने इस चीज को इस मतलब इस चीज का लिखा होगा, एकदम साक्षात अनुभव, डायरेक्ट अनुभव, बात समझ रहे। ये चीज होती है एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है कि बिना आप फील किए डायरेक्ट उसका जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो पहली चीज तो नीरस जैसे हो जाएगी आप,
समझ रहे हैं? तो डिसोसिएशन निरसता पैदा करती है, एसोसिएशन पढ़ने वाले के लिए भी वो अच्छा लगेगा और जो लिख रहा है वो तो अच्छा उसके लिए लगेगा ही। और ये टी एस इलियट जो है, इन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है ये सब सारी चीजें। देखो डिस्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट, ये आपका थोड़ा समझने वाली चीज है। डिस्टेंस इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है, डिस्टेंस इन्वॉल्वमेंट यहाँ मतलब है, डिस्टेंस का मतलब एस्थेटिक डिस्टेंस, इन्वॉल्वमेंट का मतलब एस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट। अब एस्थेटिक हमने आपको क्या बताया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, लेकिन कौन सी ब्यूटी? ऐसी ब्यूटी जो तुम्हारे सेंसेज को प्रभावित करे, समझ रहे हैं, सेंस को प्रभावित करने वाली ब्यूटी। तो जैसे तुम्हारे आंख के, आंख एक सेंस, वो आपका जो है जैसे त्वचा हुआ, आंख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, जीभ हुआ, समझ रहे हैं, इस सेंसेज को प्रभावित करने वाली कोई ब्यूटी है, उसका अगर जो आप लिटरेचर में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो फिर वो एस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा और उसी एस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट को आप यहाँ इन्वॉल्वमेंट बोल रहे हैं। और अगर जो इन सब चीजों से आप दूरी बना रहे हैं तो वही हो जाएगा डिस्टेंस। एस्थेटिक डिस्टेंस का मतलब ही हो गया एस्थेटिक डिस्टेंस, मतलब एस्थेटिक चीजों से आप डिस्टेंस बना रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं अंदर हूं कि बाहर हूं, मैं क्लासरूम में हूं कि क्लासरूम के बाहर चला गया? सर आप अंदर चलो बहुत अच्छा, एक कॉल आ गई तो हमको लगा कहीं आप लोगों ने हमको बाहर तो नहीं कर दिया। देखो वही एस्थेटिक डिस्टेंस, समझ रहे हैं? डिस्टेंस देखो यहाँ पे लिखा है वो टर्म डिस्टेंस, इन्वॉल्वमेंट तो वही एस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट, आप उससे कंसर्न रख रहे हैं। डोगरल आ जाओ, डोगरल क्या चीज होता है? डोगरल वो चीज होता है जैसे तुम गाना सुने हो, एक गाना तुमने सुना होगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा, कानों को बड़ा अच्छा लगा होगा, कर्णप्रिय लगा होगा, सुनते ही आपको लगा है मजा आ गया भैया जी। एक गाना होता होगा जब वो बज जाता होगा तो कहते हो बंद करो यार, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मतलब जब तक बंद नहीं हो जाएगा तब तक तुम जो है जितना वो हल्ला नहीं मचाएगा उससे ज्यादा तुम हल्ला मचाओगे। तो जो इस टाइप का गाना होता है कि बंद करो भैया बंद करो, वही है ये डोगरल, समझ रहे हैं? इसका नाम भी देखो थोड़ा डेंजरस टाइप में है डोगरल, हमको लगता है शायद डाग वाग से इसको बना दिए हैं क्या, जैसे कुत्ते बड़े कटाह टाइप के होते हैं। तो इसमें अच्छा होता क्या है डगरल, मजा तो बहुत आया आप लोगों को, इसमें हैवी फूटेड होता है, जो इसके फूट होते हैं वो काफी हैवी हैवी होते हैं। हैवी आप क्यों बना? क्योंकि वो लाउड जो है, आप जब साउंड उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बड़ा लाउड सा होगा। लाउड क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसका आपके ऊपर जो जो सुनने वाला उसके ऊपर एम्फेसिस पड़े। हाँ टोटल फोकस यहाँ चिल्लाने पर होता है कि ज्यादा जोर से जो है वॉइस निकले, इस टाइप की जो है सिस्टम यहाँ बनाए। जर्की वर्सिफिकेशन मतलब वर्सिफिकेशन होगा, पोएट्री होगी लेकिन वो जर्की होगी, झटके वाली पोएम, समझ रहे हैं? झटके वाली पोएम जैसे आपने कुछ जैसे पंजाबी सांग्स में सुने होंगे। तो एक होता है कि जैसे क्लासिकल म्यूजिक होती है, जैसे आप कुमार सानू के गाने सुनो या अलका याग्निक के गानों सुनो, तो उनमें उतना जो है ये जर्की वर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और वही अगर जो पॉप सिंगर्स को आप सुनना शुरू करो तो वहाँ वो लोग बड़ा जो है कहने का मतलब वो मिला के गाना नहीं गाते हैं, वो रिदम और राइम इन सब चीजों का उतना जो है उतना लेके नहीं चलते हैं, उनका टोटल फोकस किस किस पे होता है, इस पे होता है, समझ रहे हैं? तो जब ये यूज करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ये चीज इससे एकदम जुड़ी है। हैवी फूट यूज करोगे तो जर्की वर्सिफिकेशन बनेगा, लाइट फूट यूज करोगे तो स्पॉन्टेनिटी जो है म्यूजिक की आपकी बनी रहेगी। अब ये वर्थलेस सांग होता है, कोई बहुत अच्छा सांग नहीं होता है। और एक और इसी डगरल टाइप का एक आपका जो है स्केल्टेनिक्स होता है, स्केल्टेनिक्स जो है ये भी आपका जो है वर्सिफिकेशन होता है, ट्रम्बलिंग होता है, ब्रोकन होता है, जो है कॉमिक टाइप में लिए हुए होता है, और ये ऑक्टोसेल्विक कपलेट में लिखा जाता है। अब देखो एक चीज तुमको जो है अंतर कर रहा है, क्या अंतर कर रहा है कि डोगरल, डोगरल के लिए क्या जरूरी है? डोगरल के लिए कोई अपलेट कपलेट ऑक्टोसेल्विक हो डिकेसेल्विक हो ये सब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए जैसे स्केल्टेनिक्स, स्केल्टेनिक्स टोटल सारा सिस्टम किसका होगा? डगरल का होगा, टोटल डगरल। अगर जो कोई डगरल ऑक्टोसेल्विक कपलेट में लिखी गई
तो वो क्या बोली जाएगी, वो बोली जाएगी तुम्हारी स्केल्टनिक्स। बात समझ में आई? ह्यूडिब्रास्टिक। ह्यूडिब्रास्टिक क्या है, जैसे जो है ह्यूडिब्रास एक थे, तो उन्हीं के नाम पे, वो भी ऐसे डगरल यूज किया करते थे, तो उन्हीं के नाम पे जो है ह्यूडिब्रास्टिक जो है आपकी, समझ रहे हैं, ह्यूडिब्रास्टिक जो है वर्ष इसके नाम पे इसका जो है ये आपका पड़ गया। अब आ जाओ ड्रामा। ड्रामा क्या चीज होती है? ड्रामा देखो नॉर्मली परिभाषा वैसे अरिस्टोटल या इधर उधर की जो है वो तो अच्छी परिभाषा है, इसमें इन्होंने एक सिंपल सी परिभाषा दिया है कि जो है एक होता है आपका थिएटर परफॉर्मेंस, ये होता है, और जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एक रोल अदा करते हैं, और उनके जो मतलब वो बोलते हैं, वो डायलॉग्स होते हैं, जो करते हैं, वो एक्शन होता है, ये सब सारी चीजें मिला के आपका जो है ड्रामा बनाता है। और ड्रामा सर ये आक्टोसलेबिक कॉपलेट जो है वो ह्यूडोब्रास्टिक में आएगा या फिर स्केल्टोनिक में आएगा? नहीं, ये आपका ह्यूडोब्रास्टिक में जाएगा, आक्टोसल्बिक कपलेट। हाँ, ये हमने उल्टा बोला क्या कुछ? सर मुझे ऐसा जी लगा कि सर, आपने आपने स्केल्टोनिक ना 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 ना, कहा वो आप करेक्ट कर लो, वो इसमें जाएगा आक्टोसल्बिक। अरे इसमें देखो आप, ये पैराग्राफ यहाँ चेंज भी तो हो रहा है, यहाँ से आप देख लो, यहाँ ये चेंज हो रहा है, तो ये आएगा इसके लिए है, समझ रहे हैं, ये इसमें आएगा टम्बलिंग ब्रोकन। जो है वो कैसे हुआ? ये जो आक्टोसल्बिक कपलेट है ये इनके लिए, ह्यूडिब्रास के लिए जो है बंधा है, ये इनके ऊपर वाले के लिए नहीं बंधा है। उल्टा बोल दिया क्या हमने? जी सर, जी आपने सर। बोला कि डॉर्जल अगर ऑक्टोसिलेबिक में लिखा जाएगा तो वो स्क्लेटनिक हो जाएगा, आपने ये चलो बोला फिर से, था। चलो 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 चलो, वो मैं गलती सुधार करता हूँ। गलती सुधार को क्या बोला जाता है? गलती सुधार के लिए जैसे मान लो मैंने कोई गलती कर दी, तो एक बड़ा प्यारा सा टर्म दिए हैं, बताओ क्या नाम है उसका? पाली नोड का नाम सुने हो? जी सर, पाली फिगर ऑफ नोड का, स्पीच सही बोल सही फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा ना है पाली नोड। पाली नोड एक आपकी थी जो टर्म है, है। हाँ टर्म है। पाली नोड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी वर्क में मैंने किसी जो है महिला को गाली दिया, मतलब पूरी मानव जाति को मैंने गाली दे दिया, फिर हमको लगा नहीं यार हमने गलत कर दिया, एक में दूसरा जो है बनाया, तो दूसरे में जो है हमने क्या किया, हमने जो है महिलाओं की बड़ाई कर दी, तो दूसरा वाला मेरा वर्क पाली नोड माना जाएगा। तो अब मैं पाली नोड करने जा रहा हूँ, एक जो उल्टा पुल्टा काम हो गया उसको थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूँ। दुरुस्त क्या कर रहा हूँ, जैसे डोगरल, डोगरल के लिए नेसेसरी चीज क्या है, वो आपका रफ होना चाहिए, हैवी फुटेड होना चाहिए, जर्की वर्सिफिकेशन होना चाहिए, उस जर्की हैवी फुटेड जर्की वर्सिफिकेशन है, समझ रहे हैं, और वो स्केल्टेनिक्स बन जाएगा। लेकिन स्केल्टेनिक्स बनने के लिए शॉर्ट लाइंस आपका होना चाहिए 2 और 3 स्ट्रेस। अगर जो कोई आपकी ऐसी कोई लाइन है जिसमें 2 और 3 स्ट्रेस हैं, मतलब या तो एक स्ट्रेस तुमको मिल, 2 मिल रहा है या तो 3 मिल रहा है, तो डोगरल यहाँ 2 या 3 की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन जब आप स्केल्टेनिक्स की बात करोगे तो यहाँ 2 3 की बाध्यता आ रही है, या तो 2 स्ट्रेस होंगे या तो 3 स्ट्रेस होंगे, समझ रहे हैं, और बाकी वो तो रफ वफ होगा ही, मीटर उटर जो है उसी टाइप का होगा, समझ रहे हैं। अच्छा अब आप आ जाओ जो है इसके नीचे, ह्यूडिब्रा, अब तो ये ऑक्टोसेल्विक कपलेट में जाएगा आपका, समझ रहे हैं, तो तीनों में अंतर है। देखो डोगरल बड़ी चीज, डोगरल से छोटी चीज क्या आ गई, स्केल्टेनिक्स। स्केल्टेनिक्स कैसे पहचानोगे, है डोगरल, लेकिन डोगरल में डिशनल आपको क्या जोड़ देना है, कि जो उसकी लाइन रहेगी या तो 2 स्ट्रेस की रहेगी उसमें, या तो 3 स्ट्रेस उसमें आपको मिलेंगे। ये क्या ह्यूडिब्रास्टिक वर्ष क्या होती है, ह्यूडिब्रास्टिक वर्ष जो है डोगरल ये भी है, लेकिन ये और इसको जो मतलब ये कैसे सीमित होता है, तो सीमित ये होता है ऑक्टोसेल्बिक कपलेट के माध्यम से। बात क्लियर हुई? बात क्लियर जी हुई। सर, हाँ, तीनों में अंतर है, डोगरल सबसे बड़ी चीज है, डोगरल का बच्चा स्केल्टेनिक्स, और डोगरल का ही एक बच्चा ह्यूडिब्रास, ह्यूडिब्रास्टिक वर्सेस, समझ रहे हैं, सब उनके लड़के बच्चे हैं, 2 लड़के हुए हैं इसको, एक स्केल्टेनिक्स है और दूसरा आपका ह्यूडिब्रास है, दोनों बड़ा लफड़ा बवाल करते हैं, अभी जल्दी मारपीट किए थे, पेपर में निकला था, पेपर ऊपर नहीं पढ़ते क्या आप लोग?
नहीं सर। चलो आ जाओ, जब पेपर नहीं पढ़ते तो आओ ड्रामा देखते हैं फिर। वो तो ड्रामा में हमने बताया कि ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्शन का होता है, समझ रहे हैं? इसमें जो करेक्टर होता है, जो बोलता है वो डायलॉग्स हो जाता है, जो वो करता है वो आपका एक्शन हो जाता है। और ड्रामा का अल्टरनेटिव नेम आप क्या यूज करते हैं? प्ले। ड्रामा का आप अल्टरनेटिव नेम प्ले यूज करते हैं। पोएटिक ड्रामा क्या होता है? पोएटिक ड्रामा सब ड्रामा वाली सारी क्वालिटी जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो आपके जो है पोएटिक में होते हैं, वो आपके वर्ड्स में होते हैं। और यूजुअली यूजुअली वो अगर जो इंग्लिश का ड्रामा है तो वो यूजुअली किस में होगा? वो होगा आपका ब्लैंक वर्स में, ठीक। और अगर जो वही आपका पोएटिक ड्रामा फ्रेंच का है तो फ्रांस में वो पैटर्न किस पे चला? तो फ्रांस में वो पैटर्न चला 12 सेलेबिक लाइन्स में, समझ रहे हैं? तो 12 सेलेबिक लाइन होगी तो उसको क्या बोलोगे आप? एलेक्जेंड्राइन एलेक्जेंड्राइन बोलो, एलेक्जेंड्राइन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एलेक्जेंड्राइन और यही पोएटिक ड्रामा, यही पोएटिक ड्रामा आपके रेस्टोरेशन पीरियड में किस फॉर्म में लिखे गए? ये लिखे गए आपके हीरोइक कपलेट्स में। बात समझ में आई? अब जैसे आपसे इंग्लिश, तो इंग्लिश किसके लिए फिक्स है? ब्लैंक वर्ड्स के लिए। अगर जो इंग्लिश कोई ड्रामा है, पोएटिक ड्रामा बोला जा रहा है, तो आप ये मान लेना कि 90% किस में होगा? ब्लैंक वर्ड्स में होगा। कोई पोएटिक ड्रामा है वो फ्रेंच का, फ्रेंच पोएटिक ड्रामा है, तो वो किस में होगा? 12 सेलेबिक लाइन्स में होगा, या अलेक्जेंड्राइन आप उसको बोलोगे। अब जैसे मैं बोलूं जो ये थे आपके रेस्टोरेशन पीरियड के जो आपके जो है पोएटिक ड्रामा, ये किस में लिखे गए? तो ये 90% आपके जो है हीरोइक कपलेट्स में लिखे गए। तो सबका ये एक अपना अपना एक ट्रेंड होता है। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? क्लोसेट ड्रामा आपका प्रोज वर्स से इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्लोसेट ड्रामा का मतलब आपका ये होता है कि जो प्रेजेंटे स्टेज पे प्रेजेंटेशन के लिए न लिखा जा रहा हो, वो सिर्फ पढ़ने के लिए आपका लिखा जा रहा हो। समझ रहे हैं? इसका परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस के उद्देश्य से ये नहीं लिखा जाता है। इसका जो है ये यहीं पे इसको मेंशन किए हैं, ये देखो, रादर देन टू बी परफॉर्म, ये परफॉर्म करने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ पढ़ने। अब जैसे ये आप ये बताओ क्या है सैमसन एग्निसिस, किस टाइप का प्ले? क्लोसेट प्ले है कि नहीं है? क्लोसेट क्लोसेट प्ले है ये। ये लिरिकल ड्रामा है कि नहीं है? सॉरी, पोएटिक ड्रामा है कि नहीं है? यस सर है। तो पोएटिक ड्रामा क्लोसेट प्ले हो सकता है? बताओ, बिल्कुल हो पोएटिक सकता ड्रामा क्लोसेट प्ले हो सकता है, और प्रोज ड्रामा क्लोसेट प्ले हो सकता है? प्रोज ड्रामा, कोई ड्रामा मान लो प्रोज में लिखा हो तो वो क्लोसेट प्ले हो सकता है? सर हो सकता है। हाँ, बस यही हम सुन हाँ तो यही हम सुनना चाहते थे। वो धारणा न बना के चलना कि बहुत लोग होते हैं अपनी गंगा अलग से थेसिस बना के चलना, क्लोसेट ड्रामा अच्छा पोएट्री में होगा, प्रोज में होगा, तो ये सब ने जो चीज जो जिसके लिए क्लोसेट का मतलब वो चाहे पोएट्री में हो प्रोज, इससे नहीं मतलब है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है? मंचन उसका नहीं होगा। पोएट्रिक ड्रामा क्या है? मंचन हो ना हो इससे नहीं मतलब है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि वो वर्ष में होना चाहिए, उसमें जो है मीटर होना चाहिए, बस। ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक और कुछ है ना? बताइए ये सब क्या चीज होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक? बताओ, पुराने लोग तो बता ही सकते हैं। बताओ बताओ, दोनों में अंतर क्या होता है कि दोनों एक ही चीज होती है? देखो नहीं सर, ड्रामेटिक, दोनों इतनी नहीं होती। देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, तो पहले ड्रामेटिक समझो। ड्रामेटिक क्या चीज होती है? ड्रामेटिक कोई भी चीज हो सकती है, बशर्ते एक बोलने वाला हो, एक सुनने वाला हो।
साइलेंट हो, बोल रहा हो नहीं, लिसनर जो होता है साइलेंट हो, बोले ना बोले कुछ नहीं। अब जैसे ड्रामा, ड्रामा को ड्रामेटिक क्यों बोला जाता है? स्टेज पे कोई मंचन कर, वो मंचन करता है तो कोई देखता है। यही दो सिचुएशन किसी भी लिटरेचर को ड्रामेटिक बना देती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब एक बोलेगा एक सुनेगा। ड्रामेटिक शब्द तुम्हारा सार्थक है। ड्रामेटिक लिरिक एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, ये क्वालिटी को ही बोला जाता है ड्रामेटिक। तो दोनों के जो ड्रामेटिक शब्द लगे हैं वो दोनों के सार्थक हैं, क्योंकि एक बोलने वाला होता है और एक आपका जो है पैसिव लिसनर होता है। मोनोलॉग इसलिए बोला जाता है कि जो लिसनर होता है वो पैसिव होता है। अच्छा, लिसनर लगाते क्यों हैं? लिसनर की क्या जरूरत है? जब मुझे अकेले ही पक 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 करना है तो उसमें आपकी क्या जरूरत है बताओ? 45 मिनट में अकेले ही झोंकता चला जाऊं, उधर से कोई प्रति उत्तर ना आए, तो आपका क्या वैल्यू है बताओ? फिर आपको डाला क्यों गया? आपको डाला इसलिए गया क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दो, आप डाल दो। एक होता है कि नहीं, भैया जी सुन रहे हैं, भले भैया जी पूरी क्लास में ना बोले, ठीक है, तो भैया जी सुन रहे हैं, इस उद्देश्य से थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट जग जाता है, मैं थोड़ा जोश में आके पढ़ाता हूँ आपको। और जब एक रिकॉर्डिंग होती है तो वहां सेट लैंग्वेज होती है, आप उतना नेचुरल फीलिंग वहां पे नहीं ला सकते हैं। तो ये नेचुरल फीलिंग देने के लिए, पोएट्री को नेचुरल फीलिंग देने के लिए एक उसमें पैसिव लिसनर डाला जाता है, बोलने वाले। और ये पैसिव लिसनर क्या करता है? जो स्पीकर होता है उसको वो उसको इंटेंसिफाई करता है, कहने का मतलब बोलने का वो उसको अवसर प्रदान करता है। बात समझ रहे हैं? तो इनमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें आपके तीन नेसेसरी एलिमेंट होते हैं। तीन नेसेसरी एलिमेंट क्या होते हैं? ये देखो आपकी बुक में ये तीनों आपके नेसेसरी एलिमेंट का जिक्र है। देखो नंबर एक पे ये क्या है? ए सिंगल पर्सन जो, और ये पेशेंट नॉट द पोएट, ये पोएट नहीं होता है, समझे? ये जो एक इसमें क्या, सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन होगा जो पोएट नहीं होगा, बस इतना ही आप समझो। दूसरा क्या चीज होती है? दूसरा इसमें एक चीज आपकी ये होती है, आपका जो है कोई पर्सन होता है जिसको आप एड्रेस करते हो, वही जिसको आप जो है कहने का मतलब लिसनर बोल रहे हैं। तीसरी क्या चीज होती है कि ये पोएट का कुछ अपना एक फार्मूला होता है, पोएट का कुछ अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे हैं? लिरिक स्पीकर से कहने के लिए, तो अब टोटल ये मायने रखता है कि जो वो बोल रहा है, मतलब बोलने वाला, जैसे ये महोदय हैं ये बोल रहे हैं और ये महोदय हैं ये सुन रहे हैं, तो जो ये महोदय बोलने वाले हैं इनका नाम है गोरे लाल और इनका नाम है कालू, तो गोरे लाल इनसे बोल रहे हैं, कालू बैठ के सुन रहे हैं। तो अब गोरे लाल इनसे अगर जो बोल रहे हैं ये सुन रहे हैं, और ये गोरे लाल अपने मन की बात नहीं बोल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात बोल रहे हैं या किसी और दूसरे की बात बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ड्रामेटिक मोनोलॉग। लिरिक का मतलब क्या होता है? लिरिक पोएट्री बताओ तुम्हारी सब्जेक्टिव होती है कि ऑब्जेक्टिव होती है? लिरिक पोएट्री हमेशा तुम्हारी सब्जेक्टिव होती है। तो जब सब्जेक्टिव कोई पोएट्री होगी तो उसका सब्जेक्ट मैटर कौन होगा? जो बोलेगा। तो जो बोलेगा वो अपने लिए प्रनाउन कौन सा यूज करेगा? जैसे मैं आपसे बोलूं आप अपने बारे में कुछ परिचय दो अपना, हाय तो आप आई आई आप या तो आई यूज करोगे या तो वी यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसमें जो आई होता है, जो ड्रामेटिक लिरिक तुम्हारी होती है, इसमें जो आई होता है वो पोएट के लिए होता है, या पोएट के लिए नहीं होता है तो उसमें एक करेक्टर बना लिया जाता है जिसको आप उसको एडवर्सरियस टाइप का बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं पोएट हूं, मैं अपनी डायरेक्ट फीलिंग पोएम में नहीं डालना चाहता हूं, मैंने एक करेक्टर बना लिया गोरे लाल। अब ये गोरे लाल बोल रहा है कि मैं यहाँ गया मैं वहां गया, मैंने इसको मारा मैंने इसको पीटा, मैंने ये किया मैंने वो किया, ये आई किसके लिए आ रहा है? आई ये गोरे लाल के लिए आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगी, भले ही डायरेक्ट यहाँ सब कभी कूदा ना हो। बात समझ रहे हैं? तो जो ड्रामेटिक आपकी लिरिक होती है उसमें जो आई होता है वो आपका किसके लिए जाता है? पोएट के लिए जाता है। और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसमें जो आई यूज होता है वो पोएट के लिए नहीं जाता है, फिर वो एक एडवर्सरीज के लिए जाता है। बात समझ में आई? और तीनों एलिमेंट सबके होते हैं। जो तीसरा एलिमेंट होता है पर्सनल रिवीलिंग, जो ये हमने आपको बताई थी, कहाँ गया?
ये वाला, ये खुद को रिवील करने का। अगर जो स्पीकर खुद को रिवील कर रहा है, मतलब पोएट खुद को रिवील कर रहा है, तो वो ड्रामेटिक लिरिक बन जाएगा। खुद को रिवील नहीं कर रहा है तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे टिंटर नबी है, टिंटर नबी क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सॉरी कि ड्रामेटिक लिरिक है। लिरिक, ड्रामेटिक लिरिक इसमें जो आई आई या वी इसने जो यूज किया है वो किसके लिए है? वर्ड्सवर्थ के लिए ही तो है। जी। और ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि डोरोथी इसको सुन भी रही है, तो दो लोग हो गए, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, तो ये हो गया ड्रामेटिक। आई इसमें पोएट के लिए जा रहा है। तो ड्रामेटिक लिरिक वो लिरिक होती है जो पहली चीज की तो पर्सनल पर्सनल पोएट्री होगी। पर्सनल पोएट्री में जो आई यूज होगा वो पोएट के लिए यूज होगा। नॉर्मल लिरिक अगर जो उसको ड्रामेटिक वे में आपने प्रेजेंट कर दिया वो ड्रामेटिक लिरिक हो गई। कितनी आसान सी चीज है, कितना आनंद इसमें भरा है। देखो ड्रीम विजन, अब चाहे ड्रीम विजन बोलो चाहे ड्रीम एलगरी बोलो, दोनों एक ही चीज है। देखो हमने आपको एलगरी पढ़ाया है। एलगरी क्या चीज होती है? एलगरी वो चीज होती है कि जिसकी दो मीनिंग निकले। दो मीनिंग मतलब सर जैसे, ड्रामेटिक हाँ, लिरिक एक बार और बता दीजिए। ड्रामेटिक लिरिक में जो आपका आई यूज होता है वो आई आई पोएट के लिए यूज होता है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो पोएट के लिए यूज नहीं होता है, वो एक करेक्टर जो पोएट बना देता है वो उसके लिए यूज होता है। अब जैसे यूलिसिस, यूलिसिस तुमने पढ़ा है ठीक, तो अब बताओ जो यूलिसिस पोएट्री में जो आई आई यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? टेनिसन के लिए यूज हुआ है कि यूलिसिस जो उसका स्पीकर यूलिसिस संभवता है तो वो उसके लिए यूज हुआ है। यूलेसिस के लिए तो बस ये इसी को ड्रामेटिक मोनोलॉग बना दिया। और अगर जो यही आई जो है टेनिसन को, जो मतलब टेनिसन डायरेक्ट उसी में इन्वॉल्व हो जाता, वो यूलिसिस को न डालता, तो तब यही आपका ड्रामेटिक लिरिक बन जाता। बात समझ रहे हैं? तो यही चीजें होती हैं थोड़ा थोड़ा। एडवर्सरियस एक्चुअली जो ये चीज सटायर की है, एडवर्सरियस जो शब्द है ये सटायर का है, लेकिन मुझे यहाँ सुटेबल लगा इसलिए मैंने उसको यूज कर लिया। एडवर्सरियस जो टर्म है वो एक्चुअली सटायर का है, इसका नहीं है, लेकिन वो एडवर्सरियस के जैसे होता है। हमारे कहने का मतलब इतना है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो है एडवर्सरियस यूज नहीं होता। आप पढ़ोगे जो है एडवर्सरियस यहाँ आपको मिलेगा, लेकिन हाईलाइटेड वे में नहीं मिलेगा। एडवर्सरियस का मतलब नहीं समझे? सर मोनोलॉग लिरिक को ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी बात राइटर अपने किसी के थ्रू कहलवा रहा है तब वो मोनोलॉग हो गई, और उसी बात को अगर वो खुद कह रहा है डायरेक्टली तब वो लिरिक हो गया। सही है। अब बताओ ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो है ऑब्जेक्ट का कोरिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ निगेटिव कैपेबिलिटी लगी कि नहीं लगी बताओ। लगी सर, मुझे ड्रामेटिक तो लगी। मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें निगेटिव कैपेबिलिटी आई कि नहीं आई? आ गई। जी जी सर। हाँ तो बस वो कोरिलेट करके पढ़ते चलो, तो बस आपको लगेगा कि दुनिया मुट्ठी में है। अब कोरिलेट नहीं करोगे सब ऐसे बिखर। अब कोरिलेट करने की क्षमता टर्म्स में खाली एम एच अब्रम्स ही प्रोवाइड कराती है, दूसरी कोई बुक प्रोवाइड नहीं कराएगी। चाहे तुम पढ़ के देख लें, चाहे राउटेज पढ़ लो आप, इनकी क्रिस बाल्डी की पढ़ लो, या ये बोलते हैं जो आजकल चली है पेंगुइन पब्लिकेशन के थ्रू कडन वाली आई है उसको आप पढ़ लो, वो सब बिखरा बिखरा सा है। जितना पढ़ते जाओगे उतना तुमको याद कर, यहाँ सारी चीजें सिमट के आपके मुट्ठी में आ जाएंगी। चलो ड्रीम ड्रीम अच्छा, इसमें पढ़ने में आपको मजा भी बहुत आएगा। जब ये पढ़ेंगे आपको आनंद बहुत आएगा। एक बार आप शुरुआत करोगे तो लगेगा यार दिन भर बैठ के मैं यही पढ़ता रहूं। अब आ जाओ आप, ड्रीम विजन ड्रीम एलगरी क्या चीज होती है? देखो ड्रीम एलगरी हमने आपको बताया था। एलगरी क्या चीज होती है? एलगरी कोई भी कहानी हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, या कोई भी इवेंट हो सकती है जिसकी दो मीनिंग निकले। जैसे कछुआ खरगोश की कहानी, कछुआ खरगोश की कहानी में एक तो लिटरल मीनिंग वो निकल रही है कि कछुआ जीत गया खरगोश हार गया, ठीक। दूसरी मीनिंग ये निकलती है कि सतत काम करने वाली की विजय होती है। तो एक कछुआ खरगोश वाली मीनिंग, दूसरी उसका हिडन जो मारल,
तो कोई भी चाहे कहानी हो, जो कोई भी चाहे स्टेटमेंट हो, कोई जो है चाहे ड्रामा हो, चाहे कोई कविता हो, अगर जो उसमें ये इस टाइप की दो मीनिंग निकली तो वो एलिगोरिकल पोएम हो जाएगी, एलिगोरिकल ड्रामा हो जाएगा, आपका एलिगोरिकल नावेल हो जाएगा, एलिगोरिकल इपिक हो जाएगा, समझ रहे हैं, वो सब बनता चला जाएगा। तो एलिगोरी आप समझ गए। अब ड्रीम एलिगोरी क्या चीज होती है? जैसे मैं सपने में सो जाऊं और सपने में मैं एक कहानी देख लूं और उस कहानी की दो मीनिंग निकले, बस हो गया ड्रीम एलिगोरी। बात समझ में आई? अब ड्रीम एलिगोरी को ही ड्रीम विजन बोलते हैं। ड्रीम एलिगोरी पूछेगा तो आप बता ले जाओगे, ड्रीम विजन पूछेगा तो फाल्कुलेट हो जाओगे। इसलिए इसी को कोरिलेट करके पढ़ लो ठक से। कैसे पढ़ना है? ठक से। इसको यहीं तक रखा जाए। जी सर, जी बताइए, सर, डी तक खत्म हो गया है, अब ई से जो है कल पूरा लिया जाएगा, ओके सर। याद रखिएगा। था ठीक है, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते।